हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने उसे घर पे सॉल्व कर लिया होगा। आप लोगों ने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड किया होगा। आप लोगों ने उसका ग्राफ तैयार किया होगा। चलिए हम देखते हैं आगे कि आपने जो क्वेश्चंस किया है, जो सॉल्यूशंस किया है, वो हमारे पास कंप्लीटली करेक्ट आया है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक्स हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपके पास जब आपने क्वेश्चन लिया था और क्वेश्चन लेने के बाद जब आपने उसकी मैथमेटिकली फॉर्म बनाई थी, तो वो हमारे पास थी मैक्सिमम जेड एंड दिस 2x+y एंड कंप्लीट। ओके, तो अब आगे बढ़ाते हैं इसे। वही हमें पहले इसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा और ग्राफ तैयार करना होगा। तो यहाँ आपने इक्वेशन फर्स्ट रख दी होगी, यहाँ सेकेंड इनिक्विटीज को, एंड यहाँ हम लेंगे कन्वर्ट इनटू इक्वेशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग इनइक्वेलिटीज। असमीकरणों के संगत समीकरण यहां हमें मिलेगा 2x+y=104, और दूसरी है हमारे पास x+2y=76। इन्हें इंटरसेक्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा x अपॉन, और 104 है तो ये हो जाएगा 52 प्लस y होन 104=1। यहाँ हम आगे बढ़ाएंगे इसे, ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन 76 एंड प्लस यहाँ y अपॉन, और ये हो जाएगा 38=1। ठीक, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पर सेकंड तैयार है हमारे पास। ग्राफिकली सॉल्यूशंस लेते हैं हम इसका, उसके लिए हम ग्राफ तैयार करते हैं। ग्राफ तैयार करने के लिए हम स्केल देखें। स्केल में 52, 104, 38, 76, तो वाई में मैक्सिमम वैल्यू तो जाने वाली है, मैक्सिमम रेंज जाने वाली है 104, और एक्स में मैक्सिमम रेंज जाने वाली है 76। ओके, तो हम इसमें 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स को ले लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और ये 110। यहां हमारे पास हो जाएगा 10, 20, 30, 40, चलिए बढ़ाते हैं। दो लाइन है हमारे पास, x 52 एंड 104, तो ये 50 हो गया, ये 55 हो गया, और यहाँ हम बिल्कुल करीब यहाँ पर ले लेंगे हम 52 और ये 104, तो ये 100 यहाँ बिल्कुल मिड में, 105 इसके बिल्कुल पास में यहाँ ले लेंगे।
ये लाइन फर्स्ट, ओके। अगला 76, यहाँ 75 मिड में हो गया, इसे थोड़ा सा आगे ले लेंगे, यहाँ ये 76 करेक्ट, 76 एंड 38, ये बिल्कुल यहाँ 35 के बाद यहाँ 38, दोनों को मिला देंगे यहाँ। ये सेकेंड लाइन करेक्ट, रीजन ढूंढेंगे यहाँ हम लोग, तो रीजन ढूंढेंगे वही ओरिजिन से चेक करेंगे, दोनों इक्वेशंस ओरिजिन को रखने वाली रीजन को डिनोट कर रही हैं, 0 0 पुट करके आपने यहाँ देखा होगा, ये सॉल्यूशन एरिया वहां आ रहे हैं जहां हमारे ओरिजिन है, फर्स्ट का भी सेकेंड का भी। ओके तो यहाँ जो कॉमन बाउंडेड एरिया हमारे पास आ रहा है वो हम यहाँ मार्क कर देते हैं, ओके। जो बाउंडेड हमें पॉली नॉर्मल मिला है सॉरी पॉलीगॉन मिला है, तो इस पॉलीगॉन में बहुभुजों में मिला है उसका हम नॉमिनेशंस कर देते हैं, यहाँ ओरिजिन हो गया है, यहाँ ए पॉइंट हो गया है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ जो है 52.0, यहाँ बी पॉइंट कोऑर्डिनेट अभी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, सी सी पॉइंट यहाँ जो हमें मिलेगा वो हमारे पास है सेकेंड वाली लाइन का 38, यानी कि 0.38, ठीक। बी पॉइंट, बी पॉइंट के लिए दो इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों लाइनों को हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 2x प्लस y इक्वल टू 104 और x प्लस यहाँ 2y इक्वल टू 76 करेक्ट, इसको 2 से मल्टीपल कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 104 और 52, तो माइनस कर देंगे इसको, तो 104 इसमें से माइनस करेंगे हम तो हमें मिलेगा 52 एंड देन सोल्व किया हमने तो 48 माइनस का 48 माइनस का 48 इट्स मीन y को हम कैलकुलेट करेंगे यहां तो वो y हमें मिल जाएगा 1 और 3 6, तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई है 16, ओके y की वैल्यू को 16 हमें मिल गई है, इसको हम पुट कर देंगे किसी भी एक में, पुट इन सेकेंड फर्स्ट में कर दीजिए फर्स्ट में, तो यह हो जाएगा 2xn प्लस 16 इक्वल टू 104 यानी कि 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 94.88 x इक्वल्स टू 44, तो यहां x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 44। ओके तो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को यहां पर मिल गए हैं ओ ए बी सी के, यहां पर जो कि हमें बाउंडेड एरिया मिला है, इन पर हम लोग अपना जो सॉल्यूशंस है ऑप्टिमल सॉल्यूशंस वो चेक कर लेते हैं। हियर ओ ए बी सी रीजन इज फिजिबल सॉल्यूशंस रीजन यहां ओ ए बी सी क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र है,
अतः यहाँ हमने लिया पॉइंट्स और यह हमारा जेड जेड है 6x प्लस 11y, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट है और उसको हमें मैक्सिमम करना है। पॉइंट वही ओरिजिन 0 0, यहाँ ए पॉइंट, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट है हमारे पास 52.0, बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास वहाँ मिले 44.16, और यहाँ जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिले हैं 0.38। तो इनको सॉल्व करते हैं, तो ये 0 मिला और 52 को 6 से मल्टीपल करोगे आप तो 52 और 6 मल्टीपल हुआ 12, 2, 6, 30, 31, ये हो गया हमारे पास 312। ठीक, इसी प्रकार से बी वाला पॉइंट यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग। पुट करने के बाद हमें टोटल वैल्यू मिलेगी यहाँ 440। ठीक, और इसी तरीके से 38 हम पुट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 418। ओके, मैक्सिमम जो वैल्यूज हमें मिली है वो बी पॉइंट पर मिली है, बी पॉइंट पर हम लोग स्टार लगा देंगे। आप लोग भी जब सॉल्यूशंस किया तो पूरी बातों को ध्यान में रख करके केयरफुली जब आपने वर्किंग करी होगी तो डेफिनेटली आप लोगों को बी पॉइंट पर ही इसका सॉल्यूशंस मिला होगा, जो ये बता रहा है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 440 रुपए होगा जब आप ए टाइप्स के जो लेम्स हैं वो 44 बनाए और बी टाइप्स के जो लेम्स हैं वो 16 बनाए। इसलिए हम यहां फाइनल जवाब दे देंगे, सॉल्यूशंस ऑफ एल पी पी इज एक्स इक्वस टू 44 एंड वाई इक्वस टू 16 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज 440 रुपीज। आशा करता हूं कि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल मैच किया होगा। अब हमने इस तरह के क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस कर ली है। यहां अगले लेक्चर के अंदर, इससे पहले अभी मैं यहां आपको एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहा हूं, वो क्वेश्चन डिफरेंट होगा। आपने एक क्वेश्चन तो जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में, जो हमने पहले लेक्चर्स लिए हैं उनमें यह सिखा हुआ है कि हमें एलपीपी के इनफाइनिट सॉल्यूशंस कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या सिचुएशंस होती है, क्या कंडीशन होती है उसकी। आपने इनफाइनिट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखे थे पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर। अब मैं आज आपको अभी ऐसा एक क्वेश्चन और लेकर के चल रहा हूं जहां आपको कोई फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं इसे कि ये कैसा क्वेश्चन होगा जहां हमें ये देखने को मिलेगी कोई इसका फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। तो देखो, चलो चलिए देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एलपीपी का। एलपीपी जो हमें दी हुई है, हम यहां पर देख पाएंगे कि इस तरह की एलपीपी का कोई भी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन यहां पर अवेलेबल नहीं होता है। देखिए जरा, ये हमने इनिक्विटीज फर्स्ट एंड सेकंड दे दी है, कन्वर्ट करके इक्वेशंस में हमने इन्हें लिया। टू एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू टू, और यहां थ्री एक्स वन प्लस फोर एक्स टू एंड इक्वल टू 12। इससे आगे बढ़ाया, ये बन गया है एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू इक्वल टू 1, और यहां इसे हमने आगे बढ़ाया तो ये बन गया एक्स वन अपॉन 4 एंड प्लस एक्स टू अपॉन 3 इक्वल टू 1 फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, रेंज यहां डिवाइड बाई 1, तो x1 पर 4 लेकर के 4 रेंज तक जाएगा और x2 पर 3 तक जाएगा।
वन टू थ्री फोर फाइव एक्स वन एक्सिस ओरिजिन वन टू थ्री फोर फाइव एक्स वन एंड टू, तो पहला ये वन और एक्स टू का इंटरसेप्ट टू, यहां टू पे आ गए, दोनों को मिला दिया एक्स वन पर फोर, यहां फोर हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास, यहां फोर और एक्स टू पर थ्री, ये टू। ओके चलिए चेक कर लेते हैं, यहां ओरिजिन को चेक किया हम लोगों ने, यहां फर्स्ट कंडीशंस में वो वाला इक्वेशन फर्स्ट की वो का वो रीजन बनेगा जहां ओरिजिन आ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है आसानी से, तो ये मार्क कर देते हम यहां नीचे, जिस और ओरिजिन है वहां का एरिया चला जाएगा। सेकेंड नंबर पे यहां वो वाला रीजन बनेगा क्योंकि जीरो ग्रेटर देन ट्वेल्व आ रहा है, वो वाला रीजन बनेगा जहां ओरिजिन नहीं होगा, मतलब ऊपर वाला। देख हम लोग जब भी सॉल्यूशंस देखते हैं तो सभी इनइक्विटीज का हम यहां कॉमन एरिया देखते हैं, सारे सॉल्यूशंस हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलते हैं, और यहां जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो हमें किसी भी इनइक्विटीज का, दोनों इनइक्विटीज का कॉमन एरिया नजर नहीं आ रहा, और जब कॉमन एरिया ही नजर नहीं आ रहा तो हमारे पास इसका फिजिबल सॉल्यूशन ही अवेलेबल नहीं होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनमें कोई कॉमन एरिया आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस एलपीपी हैज नॉट फिजिबल, इज नॉट नॉट फिजिबल सॉल्यूशन, कोई कॉमन एरिया इसका नजर नहीं है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं एलपीपी हैज नॉट एनी फिजिबल सॉल्यूशन। ओके तो आपने देखा कि हमने एलपीपी में अभी तक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी देखे, सीख लिए हैं, और ऐसे वाले क्वेश्चंस भी देख लिए हैं जिनका हमें कोई फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। हम लोग यहां एलपीपी में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसके अनबाउंडेड सॉल्यूशन से अनबाउंडेड एरिया आता है, और हम ऐसे सॉल्यूशंस भी देखेंगे कि जहां हमें जैसे जैसे हम लोग वैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। अब आने वाले जो अगले लेक्चर्स होंगे वो अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स किए हैं उनसे काफी स्टैंडर्ड आने वाले हैं, क्योंकि हमने इससे पहले आप लोगों को बड़े अच्छे से ये समझाया, ये सिखाया कि एलपीपी किसी की एलपीपी की मैथमेटिकली फॉर्म कैसे बनाई जाती है और उसका आप सॉल्यूशंस कैसे ढूंढेंगे, कैसे देखते हैं। पर लेकिन अब स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा और अब क्वेश्चन जो आपके आने वाले होंगे अगले लेक्चर्स के अंदर, तो वहां आप खुद देखिएगा कि हमें कैसे उन क्वेश्चंस को समझ करके वहां छुपी हुई हिडन बातों से मैक्सिमम प्रॉफिट, हमारे पास वहां पर लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट और एनी अदर हमारे पास सॉल्यूशंस निकालने होंगे। ओके तो आज का लेक्चर हम यहां पर ही फिनिश करते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।